अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी वजीहा इकबाल। होप्स हो कि आपको मेरा पिछला ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ चलते हैं। तो अब हम जद्दा एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए हमने अपनी टैक्सी बुक करवा ली है। अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं और जाकर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे होटल में और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अपना लगेज वगैरह अपना सारा रूम में रख दिया था और हमने थोड़ा रेस्ट किया है और रेस्ट द नेक्स्ट डे करने के बाद हम अपना उमरा भी परफॉर्म कर चुके हैं फर्स्ट, और अब हम निकलने लगे हैं सेकंड उमरे के लिए। तो आज का हमारा जो उमरा है वो हम मस्जिद जराना से अदा करेंगे। वहाँ से हमने नियत करनी है दूसरे उमरे की और वहाँ पर हम जाएँगे। ये हमारा गोलगप्पा भी हमारे साथ आया है, शी इज़ माय नीस, आप ही की बेटी है ये। हर वक्त जिसको बस नींद आती रहती है, तो इसको भी हम साथ लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा छोटी सी क्यूट सी है, क्यूट सा गोलगप्पा ही हमारा। यहाँ से अब हम मस्जिद जराना की तरफ जाने लगे हैं और अब हमने कोई टैक्सी लेनी है, टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं, टैक्सी हमें कोई मिल जाए। और ये है मक्का का बाज़ार जहाँ से हमने अभी आपको शॉपिंग भी दिखानी है, शॉपिंग करेंगे हम। लेकिन अभी हमने अपना उमरा परफॉर्म करना है। तो अब हम जब मस्जिद जराना की तरफ के लिए निकल रहे हैं और वहाँ पर जाकर हम दो रकअत नफल पढ़ेंगे और वहाँ पर हमने जाकर उमरे की नियत करनी है। तो होप सो गाइज, आपको मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी कि किस तरह से हमने उमरा परफॉर्म करना है। वो लोग जो पहली दफ़ा उमरा परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो नहीं जा सकते हैं चलें वो मेरी वीडियो के थ्रू ही देख लें। A few minutes later. तो अब हम मस्जिद जराना पहुंच गए हैं। मस्जिद पर जराना पहुंच कर हमने यहाँ पर दो नफर नमाज अदा की है। मस्जिद जराना से हमने उमरे की नियत की है। A few moments later. हमने दो नवाफिल अदा कर लिए थे, अब हम हरम पाक की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में मुकद्दस मकामात की ज़ियारत भी करवाऊँगी। जब आप हरम पाक के लिए एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सेलेटर यूज़ करना पड़ता है। एक्सेलेटर है, एक साइड पर स्टेयर्स बनी हुई है और एक साइड पर एक्सेलेटर बना हुआ है। सुभान अल्लाह, ये देखिएगा जैसे ही हम एक्सेलेटर से ऊपर चढ़ते हैं तो ये हरम पाक की एंट्रेंस है। ये मैं आपको व्यूअर्स दिखाती हूँ, ये ज़रा आप देखिएगा। आई कॉन्ट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स के यहाँ पर कितना सुकून है। इतना सुकून आता है जब यहाँ पर हम आते हैं, हम अपने सारे दुखों को, अपनी सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। हम बिल्कुल न्यू हो जाते हैं। हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि हमारी लाइफ में क्या परेशानी, क्या कुछ हो रहा है। इतना ईजी हम फील करते हैं। मेरे अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आप सबको बार बार अल्लाह पाक अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें बार बार आना नसीब फरमाए। अल्लाह हमें बार बार लेकर जाए। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। ये जो बैरियर्स लगे हुए हैं इनको पार कर ही हमें जाना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी कोई जो बैरियर्स नहीं लगे हुए हम वहाँ से नहीं जा सकते। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मक्का टावर है और अब हम ऑलमोस्ट बाबे पहाड़ के करीब आ चुके हैं। हमारी एंट्रेंस यहीं से होगी। अभी हमने जोहर की नमाज़ अदा करनी है, उसके बाद हम अपना उमरा परफॉर्म करेंगे। यहाँ से हम हरम पाक के बरामदे हैं जो उसमें एंटर होते हैं। आपको मैं बरामदे दिखाती हूँ और आप बरामदे देखिएगा, आपको कितना ज़्यादा सुकून आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ वाटर कूलर्स आबे जमजम के। यहाँ से आप जितना मर्ज़ी पानी पी सकते हैं। जो कोई बीमार है उस वो पानी पीता है तो उसको शिफा मिल जाती है।
चलें, जोहर की नमाज़ का टाइम है, हम सबसे पहले जोहर की नमाज़ अदा करेंगे, फिर हम अपने उम्रा कंप्लीट करेंगे। Minutes later. हमने जोहर की नमाज़ अदा कर दी थी, अब हम मताफ की तरफ चलते हैं ताकि हम अपना जो है उम्रा उसको परफॉर्म कर सकें और अल्लाह पाक हमें इसका अजर दे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सबसे पहले हम लोग एथलेटर से ऊपर चढ़े थे, फिर सहन आया था, सहन के बाद बरामदे आए थे, बरामदे के बाद मताफ की तरफ जाते हुए अब ये एक्सलेटर है, हमने फिर नीचे की तरफ जाना है। जो अल्लाह पाक का घर है वो थोड़ा एक्सलेटर से उतर कर फिर आपको मैं दिखाती हूँ। मेरी दिल से दुआ है, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अल्लाह पाक अपने घर की हाजिरी सबको नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लिटरली जब आप यहाँ आते हैं आप दुनिया के हर दुख को भूल जाते हैं, आपको कोई दुख याद नहीं रहता, आपको कुछ याद नहीं रहता, बस आपको आप ऐसे लगता है आपको जैसे आप अभी न्यू बॉर्न पैदा हुए हैं, बिल्कुल न्यू हैं आप, बिल्कुल ऐसा फील आता है कि आप बिल्कुल पाक हो गए हैं, बिल्कुल ही ऐसा फील आता है जब आप पहली दफ़ा काबे को देखते हैं, जो आपकी आइज़ में टेयर्स होते हैं ना, लिटरली आप वो सोच भी नहीं सकते वो फीलिंग्स क्या होती हैं जब आप पहली दफ़ा काबे अल्लाह पाक के घर को देखते हैं, जब आप तवाफ़ करते हैं, जब आप सफ़ा मरवा पे जाते हैं। मैं आपको भी सफ़ा मरवा भी दिखाती हूँ। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गए। One hour later. अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अल्लाह पाक के घर के 7 राउंड कंप्लीट किए, हमारा तवाफ हो चुका है, अब हम सही की तरफ जाएंगे और अभी हम दो नफल शुक्राने के अदा करेंगे और उसके बाद हम जी भर कर आप जमजम पियेंगे और फिर चलते हैं सही की तरफ। जी व्यूअर्स, ये है सही। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। मैं आपको बताती जाऊँ यहाँ पर कि जब हम सफ़ा से मरवा की तरफ जाते हैं तो हमारा एक जो राउंड होता है वो कंप्लीट होता है, और मरवा से सफ़ा की तरफ आते हैं तो 2 हो जाते हैं। ऐसे हमने 7 राउंड कंप्लीट करने होते हैं और उसके बाद हमने जो मर्द हजरात होते हैं उनको अपने जो बाल होते हैं उनको कटिंग करवाना पड़ता है, बिल्कुल टिंड करवानी पड़ती है, और जो लेडीज़ होती हैं उनको अपने बाल थोड़े से कटिंग करवानी होती हैं, उसके बाद आपका एक उम्रा कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे हम 7 राउंड्स कंप्लीट करते हैं और बीबी हाजरा की सुन्नत को हम पूरा करते हैं। अभी जो आप ग्रीन लाइट्स देखेंगे, यहाँ पर आदमियों को तेज़ तेज़ भागना पड़ता है और औरतों को तेज़ तेज़ चलना पड़ता है। जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए सफ़ा मरवा की जो मिड है, सेंटर में इन लोगों ने ये एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर खादमीन कुछ रियाल लेते हैं और इनको सही के चक्कर लगा देते हैं, जिससे जो नहीं चल सकते उनका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एरिया बनाया हुआ है और इस प्लेस पर ही वाटर कूलर्स आबे जमजम के लगाए हुए हैं और आप जितना चाहें यहाँ से आबे जमजम पी सकते हैं जी भर कर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दूसरा उम्रा कंप्लीट हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, मर्द हजरात ऐसे बाल कटिंग करवाते हैं और जो लेडीज़ होती हैं वो अपने बालों को थोड़ा सा कम कट करवाती हैं। अब हम चलने लगे हैं दोबारा, अगेन रात का टाइम हो गया है, हम चलने लगे हैं तवाफ़ की तरफ। अब हमने तवाफ़ करने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खुशकिस्मत हैं, मुझे रश्क आता है इन खादिमीन पर जो अल्लाह के घर के खादिम हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। A few moments later. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
जब पहली नजर मेरी उस काबे को देखे दिल सजाएगा, हम काबे को देखेंगे, वो दिन भी तो आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का उमरा और तवाफ़ कंप्लीट हो गया। जी व्यूवर्स, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उमरे के बाद एक तवाफ़ करें या दो तवाफ़ करें। सो गाइस, मेरा व्लॉग आज का यहीं पर एंड होता है। अब मैं जाने लगी हूँ अपने होटल की तरफ। होप सो गाइस आपको मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।